अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं भी लोग ले जाएं तो भूखे पेट न ले जाएं, इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया। अब यह एक संयोग की बात है और खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में कम घटना घटी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं घटी, और इस बार कुछ ज्यादा ही घटना घटी। तो इसने पूरे देश को और देश के बाहर के लोग भी इस बात को लेकर जरूर अब उसकी जानकारी लोगों को मिली है, तो सब तरफ से सचेत हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए और उन्होंने फिर एक टीम की संरचना की है और सब लोग इसके बारे में अध्ययन और एक एक चीज करेंगे। मैं तो उसके बारे में इन्होंने चर्चा कर दी है, मैं दो तीन बात रखना चाहता हूं। जो कुछ भी हमने यहां चर्चा की या पहले की भी जो रिपोर्ट्स रहती थी और उसके बारे में कि इसमें जो इसके विक्टिम है वो गरीब परिवार के लोग होते हैं, और आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, तो हमने ये उसी समय कहा था कि भाई इसके लिए हम लोगों को एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना चाहिए। और उसके अगले दिन फिर हम गए थे और अगले दिन जाकर जितने भी बच्चे वहां भर्ती थे और उनके साथ उनकी मां या उनके कोई गार्जियन, हम एक एक लोगों से बात किया और एक एक बेड पर, एक बेड पर दो बच्चे क्योंकि बेड्स की कमी थी। और उसके पहले ये जानकारी मिली कि वहां पीकू का मात्र पीआईसीयू का 14 ही बेड है, तो उसी समय हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं उनको हमने कहा कि भाई इससे काम नहीं चल सकता, इसकी संख्या तो बढ़ा करके करना चाहिए। तीन लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और जो वहां जेल का वार्ड था, जेलर के लिए जगह थी एसकेएमसीएच में, उस जगह को हटा करके वहीं पर इन लोगों ने और ज्यादा पीआईसीयू की संरचना की और तेजी से उस पर काम किया। और फिर जो अगले दिन जो हमको इनसे बात पहले हुई थी और एक दिन हमने समीक्षा की यहां और उस समीक्षा बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, अगले दिन जब हम लोग वहां पर गए हैं और एक एक लोगों से हमने जो बातचीत की और सबका दृश्य देखा, बच्चों का बच्चियों का, तो हमने जो वहां देखा तो मुझको लगा कि ये गरीब परिवार के बच्चे हैं और बच्चियों की संख्या ज्यादा है। और हम सबसे पूछे कि आखिर हुआ क्या था, और डॉक्टर्स भी बता रहे थे कब बीमार हुआ, कब आया और क्या हुआ, ये सारी बात वो लोग कर रहे थे, एक एक बात हमने देखा। तो वहां का दृश्य देखने के बाद जो मेरे मन में बात आई, और दूसरी बात है जब हम एसकेएमसीएच गए तो हम तो पहली बार गए थे, ये फैक्ट है, उसके पहले हमको जाने का अवसर नहीं मिला। वहां इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का इलाज तो एक अलग हो रहा था, उसके लिए अलग जगह था, लेकिन बाकी लोग अपने इलाज के लिए जो एसकेएमसीएच जाते हैं तो हमने देखा उनकी संख्या भी बहुत थी। और हमने देखा कि भाई एसकेएमसीएच में जो मुजफ्फरपुर में है, इतनी बड़ी आबादी का जगह है और एक केंद्र बिंदु है, तो एक बात मुझको ये देखकर लगा। फिर हमने जानकारी ली कि भाई कितना बेड है, क्या है सब कुछ, और सबसे मिलने के बाद जब हमने बैठक की तो हमने फिर कहा कि भाई देखिए इसका सर्वेक्षण सबसे पहले जो इस बार के विक्टिम हैं उनके परिवार को देख लीजिए, और इसके अलावे और विक्टिम्स को भी, और ये जिस किसी भी गांव के हैं। हमने वहां जानकारी चाहिए कि भाई एक गांव का कोई एक से अधिक आदमी हो, ऐसा कौन सा इलाका है, इससे ये पता चलेगा कि किस जगह पर और क्यों ये ऐसी बात हो जाती है। फिर उस समय जो सारे लोगों के साथ मीटिंग हुई तो केंद्र से भी टीम आ गई थी और वो लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, तो हमने उनको कहा कि इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बात को पूरे अच्छी तरह से देखिए कि आखिर किस परिस्थिति में ये बात आती है। और हमने अपने प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स को कहा, और चीफ सेक्रेटरी भी थे, कि जो बात मैंने पहले कही है उसके हिसाब से पूरे तौर पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। आखिर ये पता चलेगा कि किस तरह का ये गांव है, उस गांव की क्या स्थिति है, और उसके जो गरीब लोग हैं जो इसके शिकार हो रहे हैं उस परिवार की, अब ऐसे कितने परिवार हैं जो ऐसी स्थिति में है। तो एक जो प्रारंभिक जितने लोग विक्टिम हुए, बीमार पड़े थे, और पूर्व में भी जो बीमार पड़े उनके बारे में पूरी ये सर्वे कर रहे हैं।